वेलकम टू द न्यू गेम प्ले। आज के गेम प्ले में हम खेलने वाले एक नई ट्रेन दैट इज 16532 गरीब नवाज एक्सप्रेस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। ये जो ट्रेन है ये चलती है बैंगलोर से अजमेर तक। अब आप बोलोगे कि अजमेर तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं, तो हम अजमेर तक नहीं जाएंगे, विल गो टिल अहमदाबाद। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे अजमेर आ जाता है, तो हम यहाँ पर अहमदाबाद तक का गेम प्ले करेंगे। तो बैंगलोर टू अहमदाबाद हमने सेट कर लिया है। यहाँ पर वेदर हम रेन कर लेते हैं, और वैसे तो ट्रेन जो है वो शाम को 5 बजे निकलती, पर फॉर द सेक ऑफ गेम प्ले ताकि सब कुछ साफ साफ दिखे, इसलिए हम यहाँ पर सुबह 10 बजे का कर रहे हैं टाइम। ओके, नेक्स्ट जो इसमें लोको रहता है वो बैंगलोर से हुबली तक रहता है, WAP 7, और उसके बाद WDP 4 होता है। लेकिन तो हम तो अभी WDP 4 शुरू से लेकर चलेंगे, और LHB रेक होते हैं तो LHB रेक ले लेंगे, फुल रेक्स के साथ चलेंगे। और क्योंकि ये एक्सप्रेस है, कोई सुपर फास्ट या राजधानी ऐसा कुछ नहीं है, तो इस ये सारे स्टेशन पर रुकेगी, अनंतपुर, सोलापुर, पुणे, मुंबई, वलसाड, सूरत, भरूच नहीं रुकेगी, ये वहाँ से स्किप होती है, फिर आनंद भी रुकेगी। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो हमारी गरीब नवाज एक्सप्रेस खड़ी हुई है बैंगलोर के प्लेटफॉर्म नंबर, लेट्स सी व्हिच वन इज द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म दिख नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है शायद। यस, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी गरीब नवाज एक्सप्रेस खड़ी हुई है। गेट क्लोज कर देते हैं, हमारा टाइम हो गया बैंगलोर से निकलने का। तो गरीब नवाज एक्सप्रेस इज नाउ डिपार्टिंग फ्रॉम बैंगलोर। साथ में एक WAP 5 के साथ फ्रेट भी खड़ी हुई है, और साथ में एक और WDP 4 के साथ दुरंत भी खड़ी हुई है। तो हमारा पैरल डिपार्चर हो गया, पैरल तो नहीं, वो दोनों वहीं पर खड़ी हुई है। लेट्स सी आगे आते हैं कि नहीं, पर हम अभी तो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वाले WDP 4 में हमारे पास डबल हॉर्न है, पहला आपने सुना है, नाउ लिसन टू द सेकंड वन। अच्छा हॉर्न है इसका, आई लाइक दिस, इसलिए मैंने इस पर डबल हॉर्न लगाया। तो हमारी लंबी सी ट्रेन गरीब नवाज एक्सप्रेस लंबी दूरी करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट स्टॉप इज अनंतपुर, जो पास नहीं है, जल्दी आएगा। सामने से कोई एक ट्रेन आती हुई दिख रही है, इसको मैं बोगी मोड में देखूंगा। तो ये मेरी WAP 7 के साथ तेजस एक्सप्रेस, इसने हमको जस्ट क्रॉस किया है, वापस ही अपने नॉर्मल ऑर्बिट व्यू में आ जाते हैं। अगर डिफरेंट मोड्स में आपको क्रॉसिंग्स देखना है तो वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो लास्ट वीक, अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसमें गो चेक इट आउट। हमारी खबर करीब नवाज एक्सप्रेस कर चुकी, पीछे वाली ट्रेन आगे बिल्कुल नहीं आई है, तो अभी तो हम अकेले चलेंगे। अब स्पीड फुल करते हुए जाएंगे, अनंतपुर अभी थोड़ा दूर है अभी भी। तो हमारी ये ट्रेन को पूरे ऑर्बिट व्यू में देखो, वंदे भारत का कितना प्यारा सा क्रॉसिंग हुआ है। ये सामने से ट्रेन आ रही थी, इसलिए शायद पीछे से बैंगलोर से ट्रेन को आगे निकाला नहीं। और यहाँ पर हमारा अराइवल हो रहा है अनंतपुर जंक्शन पर, जंक्शन ही अनंतपुर पे, साथ में हमारे को क्रॉस किया है, सिंक किया है, ओवरटेक नहीं है, सिंक ही है। और हमारा जो फर्स्ट ऑफिशियल स्टॉप है गरीब नवाज एक्सप्रेस का, वो आज का अनंतपुर। ये एक्सप्रेस है तो धीरे धीरे करके हर स्टेशन पर रुकेगी, अराउंड 36 आवर्स लेती है टोटल के यहाँ से बैंगलोर से अजमेर पहुँचने के, पर हम तो यहाँ पर अहमदाबाद तक ही जाएंगे, और इसमें तो जल्दी हो जाएगी। ओके, हमारा सिग्नल हो चुका है, लेट्स गो। अनंतपुर से वी हैव डिपार्टेड, नेक्स्ट स्टॉप विल बी सोलापुर जंक्शन। सोलापुर जो डिवीजन है उसका पहला स्टॉप रहेगा सोलापुर जंक्शन। डिपार्टेड फ्रॉम अनंतपुर, देखते आगे कौन कौन सी ट्रेन मिलती है सोलापुर के पहले। कोई ब्रेक नहीं करना है, फुल ऑर्बिट में जाएंगे। 140 स्पीड लिमिट आपने दिया, पहले मैंने गरीब नवाज एक्सप्रेस सुनता था तो मुझे लगता था गरीब रथ है वो भी, तो मैंने जब इसकी डिटेल्स देखी तो ये निकली पहले फिर एक। चलो चलो इसको ही करते हैं। वैसे बैंगलोर से अहमदाबाद बहुत ट्रेन, कोई डायरेक्ट नहीं, डेली ट्रेन नहीं है, हम डेली ट्रेन हैं पर सेम ट्रेन नहीं, हमेशा अलग अलग ट्रेन है। तो ये मुझे उसमें बेस्ट लगी, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। एक चेन्नई टू अहमदाबाद वाला भी करेंगे, नवजीवन एक्सप्रेस वाला। नवजीवन एक्सप्रेस का ये रूट नहीं है वैसे, दूसरा रहता है भोपाल, भोपाल ओला उदय जाती है। हमारे से तीसरे यही था गरीब नवाज एक्सप्रेस, सोलापुर आने वाला है, स्पीड कर लेते हैं, लो स्पीड ऑफ अराइवल करेंगे हम। जैसे भी कुछ नहीं है, रिवर्स में एक बार देखते हैं, नहीं कुछ नहीं है, आगे सामने से आ रही होगी, सामने से भी नहीं है, कहाँ थी जयपुर इसी स्पेशल, कहीं तो ट्रैक किया उसने, तभी तो जाके हमको पता चला। ऑलराइट, सेकंड स्टॉप से वी हैव डिपार्टेड सोलापुर जंक्शन से, और स्पीड को बढ़ाएंगे आगे, हमारा ट्रैक चेंज हो चुका है, इतना प्यारा लग रहा है। अभी इसके पास एक टनल भी आएगी सोलापुर से पुणे के बीच में, आ पुणे के बाद आती है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। साइड वाली लाइन पर रेड सिग्नल लेना, रेड सिग्नल लेना, कोई नहीं पीछे से आगे से आ रही हूँ, कोई नहीं पहले ही करना, जा चुकी है, और यहाँ पर
नंबर 3 पर अराइवल हो चुका है हमारी गरीब नवाज एक्सप्रेस। मुंबई में एग्जैक्ट कोई स्टॉप नहीं होता है, लेकिन कल्याण पे होता है, पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो कैरेक्टर सिंगल था, पर वो ट्रेन सिंगल है। पीछे से गरीबत भी निकल गई, सामने से कोई ट्रेन आनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होता है, कभी आता है कभी आता है, कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा। इस गेम प्ले में बहुत ही कम ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक है लेकिन प्रोसेस नहीं हो रही ज़्यादा। रेड सिंगल बार बार देखने का उसको बार बार ग्रीन कर दिया जा रहा है। सामने से आ रही है ट्रेन, सेकंड सीधा है के साथ। बहुत प्यारा हुआ ये क्रॉसिंग। अरे स्पीड नहीं पाएगी, स्पीड बढ़ा रही है। चलो आप फुल स्पीड से जाएंगे, वो क्रॉसिंग बहुत शानदार हुआ, उसको वापस से बैठ जाएंगे। तो ट्रैकिंग के साथ होता है बहुत ही बोला। अब स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड कोई नहीं होता, कोई टेंशन, कोई क्रॉसिंग नहीं लगता होगा। ये कुछ क्या होगा, वो काफ़ी शानदार पीछे से हो सकता है, कोई पर अभी कोई नहीं पर लेकर कोई नहीं पीछे से कुछ नहीं आ रहा भाई। और देखिए बात नहीं करना, नहीं लगता नहीं। नाउ यार ड्राइविंग भाई, अभी ट्रैकिंग होगा, मेरे तो ट्रैकिंग मैंडेटरी है। Look at this beautiful taxi of Garib Nawaz Express. We are arriving at Mumbai Central. Mumbai Central का arrival नहीं होता, आपसे बता दूँ, it arrives on Kalyan Junction. Kalyan से कट जाती है, मुंबई में अंदर नहीं जाती। Kalyan भी एक outer station है मुंबई का। Okay, so now we have arrived on Mumbai Central. आधी जर्नी तो हो चुकी है, अहमदाबाद ज़्यादा दूर नहीं, पास नहीं। बलसाड़ आएगा, बड़ोड़ा आएगा, अहमदाबाद सही। All right, so मुंबई से हमारा डिपार्चर के लिए वी आर रेडी। साथ में हमको एक वंदे भारत ने ओवरटेक किया है, लेट्स ट्राई टू कैच इट। सिग्नल भी है ग्रीन, अभी मुंबई से कोई रेड सिग्नल नहीं है। और कोई ट्रेन खड़ी मुंबई पे नहीं, और कोई ट्रेन नहीं खड़ी। हमारी गरीब नवाज एक्सप्रेस इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई, जस्ट ऑल कल्याण जंक्शन। नाउ वंदे भारत आगे बहुत ज़्यादा निकल चुकी है, मुंबई की लास्ट वाली कट जाएगी, मतलब ये जैसे कट जाएगी। इट इज पॉसिबल इसमें मुंबई वाले रूट देख ले जाए, जो कितना इट इज पॉसिबल के लिए लेफ्ट में चले जाए, वो एक लूप में चले जाते हैं। आई डोंट थिंक हम ये कंप्लीट कर पाएंगे। साथ साथ में ट्रेन आ रही है दूसरी, गरीब रहते हैं वो तो खड़ी थी वहाँ पर गरीब। अच्छा इनविजिबल बैक ट्रैक चेंज हुआ हमारा, जैसे बस आगे को ट्रैक चेंज नहीं होना चाहिए, अगर आगे को ट्रैक चेंज हो गया मतलब ग्लिच आ जाएगा। लेट्स होप कि ट्रैक चेंज ना हो, नहीं हुआ तो गियर गोइंग स्ट्रेट। नहीं तो कभी कभी ये जो रूट दिख रहा है ना यहाँ पर चली जाती है, तो फिर उसके बाद जो होता है वो लूप में घूमती रहती है, कभी बाहर आती है कभी नहीं आती। तो हमारा अराइवल होगा बलसाड़ पर, बलसाड़ के लोग देखने के लिए। बलसाड़ जैसे कोई ज़्यादा बड़ा नदी नहीं है, पर है तो स्टेशन है जैसे बिग वन। अभी तो बोरीवली आया है, बोरीवली भी कोई स्टॉप नहीं रहता कि मेरी मतलब की बात करूँ, ये कोई स्टॉप की बोरीवली भी आती है 119 के एच एंड बलसाड़ पास नहीं है। बलसाड़ के आगे ट्रैक्चिंग होगी, तो एक साथ सामने कोई ट्रेन आ रही है, रेड है कोई डेमो लग रही है। ट्रेन का मेरा साथ में कोई क्रॉसिंग हुआ है, बहुत प्यार था और बलसाड़ आ चुका है। थैंक यू फॉर दैट, सो मच मिलेंगे। हमारी गरीब नवाज एक्सप्रेस का बलसाड़ का अराइवल हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। नाउ इसके साथ हम ये क्या महामना महामना ने क्रॉस किया पॉसिबल विदाउट स्पीड, मतलब विदाउट एनी स्टॉप गई, हॉल्ट करते हुए सीधे गई, हमारा तो स्टॉप था यहाँ पर। अच्छा ये वही होगी जो इसका वेट कर रहे थे रेड सिग्नल, जिसके लिए था ही होगी। आगे ट्रैक चेंज होने वाला है, इसको एक बार ड्रोन में लिखना है, ट्रैक चेंज को ड्रोन में लिखना। और ये भी ग्लिच है, इनविजिबल ट्रैक चेंज हो रहा है, एक और ट्रैक चेंज हो रहा है, वन मोर। Okay, so now we are departing from Surat Junction to our next stop, that will be Vadodara Junction. और फिर उसके बाद आनंद आएगा और अहमदाबाद हमारी डेस्टिनेशन इस गेम के लिए डेस्टिनेशन आ जाएगी। बाकी डेस्टिनेशन तो इसके अजमेर होती है, इसके आगे भी जाती है राजस्थान में अपनी दादी, पर हमारे पास जो लिमिटेड स्कोप है उसके हिसाब से हमारा गेम के लिए ओवर एंड एक्टर भी बहुत बचा हुआ है, जाना नहीं बहुत स्पीड हो रही है। अच्छा इसका ये रिव्यू देता सूरत के बाद आस पास लंबे लंबे पेड़ लगे हुए बहुत अच्छी।
भी बैठा है क्या गरीब नवाज एक्सप्रेस में? बैठा हो तो बताना, लेट मी नो इन द कमेंट्स। डिपार्टिंग फ्रॉम वडोदरा जंक्शन, साथ में महामना एक्सप्रेस खड़ी है, डब्ल्यूडी के 4 के साथ सेम इंजन है हमारा। लेट्स ट्राई, यहां पे सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहले रनोवा शिप नहीं होगा, नहीं चाहिए सर, तो प्लीज ना जा दिया। तो अब अचानक तो हमको सेम लाइन पर हम सब भी खड़ी है, कोई साथ वो चली गई, कोई भी चली, हमको तुम्हारा चेक ट्रैक करना है, रेड सिग्नल आ गया यार, पहले रेड सिग्नल मिलता है मैक्सिम टाइम मैंने देखा, आने वाला रेड सिग्नल सिंगल करते तो एक पेंट किया हुआ है मैंने मुंबई अंदाज बनने वाला था, वो चेक इट आउट, उसमें इतने सारे रेड सिग्नल्स हैं, इतने सारे मजे ही आ जाएगा, बहुत रियलिस्टिक हो जाता है। अच्छा एक ग्रीन सिग्नल हो चुका है, जो भी ट्रेन थी वो निकल गई, सामने से आ रही है, कहाँ से आ रही है, रोका किस लिए यार, कोई दिख तो नहीं रही है ट्रेन रेड सिग्नल के, पीछे वाली आई क्या भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ है, देखी नहीं टाइम पास के लिए रेड सिग्नल करते हैं। एक और टैक्सी जो है अभी मेन लाइन पर जाएंगे, हम अभी मेन लाइन पर नहीं, अभी लूप लाइन पर करीब नवाज एक्सप्रेस का लास्ट सेकंड स्टॉप भी हो चुका है, अब होगा लास्ट स्टॉप दैट इज अहमदाबाद किचन, हां मैं बता रहा था अहमदाबाद इज नॉट द लास्ट स्टॉप एक्चुअली, ट्रेन में हमारे पास तो नहीं तो ये जाती सी बात है, क्या गया अब चला गया, अब ये राजस्थान में होगी और इधर वापस चलना नहीं आती किसी से, इसका थोड़ा ध्यान से करो करते हैं उधर रुक जाओ, आप भी रुक जाओ, ऑलराइट हेडिंग टुवर्ड्स अहमदाबाद जंक्शन द लास्ट स्टॉप ऑफ आवर जर्नी खाली मिला है कोई टेंशन के साथ में, कोई बात नहीं, अच्छा खासा ट्रैफिक मिला जितना एक्सपेक्टेड नहीं, अहमदाबाद पे भी है फ्लाइट। Here is the completion of our 1653 to Karimnagar Express. See you in the next video.